अब मून नाइट सीरीज के को डायरेक्टर एरन मोरहेड ने ऐसा टीज किया है कि मून नाइट एपिसोड 5 एंड 6 कुछ ज्यादा ही सरप्राइजेस रखने वाले हैं। अब मार्वल स्टूडियोज का करंट डिज्नी प्लस शो अपने लास्ट स्टेज पे है, बट आफ्टर द शॉकिंग एंडिंग ऑफ मून नाइट एपिसोड 4, हम व्यूअर्स अनएक्सपेक्टेड प्लॉट ट्विस्ट को भी देखे जा रहे हैं। अब वो कहाँ से आ रहे हैं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन भाई आ रहे हैं तो मना कौन कर सकता है। अब तक हमने ऑस्कर इसैक को देखा एज अ मून नाइट, जो कि एक खिसका हुआ कैरेक्टर है और वो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के साथ जी रहा है। और अभी तक हमें उसकी दो अल्टर्स को देखा गया है, फर्स्ट द मिल्ड मैनर्ड स्टीवन ग्रांट एंड सेकेंड मार्क स्पेक्टर, जो कि एक मर्सिनरी है। अब यहाँ एक कल्टिस्ट लीडर है आर्थर हैरो, जो कि आमिट को रिजरेक्ट करना चाहता है, जो कि इजिप्शियन गॉड है। सो द पेयर नीड्स टू वर्क टूगेदर अलॉन्ग साइड मार्क्स स्ट्रेंज्ड वाइफ लैला टू स्टॉप हिम। बट जब ये सब बातें मून नाइट के फर्स्ट 3 एपिसोड में क्लियर हो रही थी, तभी एपिसोड 4 के एंड से चीजें चेंज हो गई और यहाँ से सारी थ्योरीज का बंटाधार हो गया। मतलब फॉलोइंग एन एनकाउंटर विथ आर्थर दैट रिजल्टेड इन मार्क गेटिंग शॉट, मून नाइट एग्जीक्यूटेड इट्स बिगेस्ट प्लॉट ट्विस्ट। एंड यहाँ वो खुद को एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल के अंदर पाता है एज वन ऑफ इट्स पेशेंट्स, और वहाँ ये रिवील होता है कि आर्थर एक डॉक्टर है जो कि उसे और कंफ्यूज कर रहा है। The outing ends on a cliffhanger with the introduction of Taaret, जो कि Egyptian goddess of protection है, और इसी के साथ Moon Knight के co-director Aaron ने Entertainment Weekly को ये बता दिया कि Moon Knight episode 5 and 6 में इससे भी बड़े surprises होने वाले हैं। Maybe हमें और सारे gods देखने को मिल जाएं जो कि starting में हमें बताए जा रहे थे, और maybe उनके avatars के बीच एक बहुत ही मस्त सी fight। अब अगर हम Marvel Studios के Disney Plus shows की पिछले सीरीज़ की बात करें, तो उन सभी सीरीज के लास्ट 2 एपिसोड्स में टिपिकली चॉकफुल ऑफ रिविलेशंस मिले हैं। सीधी भाषा में बताएं तो लास्ट के 2 एपिसोड्स में बहुत ही खतरनाक तरह के चीज़ें पता चली थीं, जो कि घूम फिर के एपिसोड के फिनाले पे आ जाती हैं। यहाँ वांडा विजन के एपिसोड 8 में हमें पता चला था कि कैसे वांडा मैक्सिमोफ ने एक अलग ही रियलिटी क्रिएट कर दी थी, जो कि उसके टूटे हुए माइंड से बना था। और लोकी के एपिसोड 5 में हमें पता चला कि उस वॉइड के अंदर क्या है, और इसी के साथ हम ऐसा गेस कर सकते हैं कि मून नाइट के साथ भी शायद सेम ऐसा ही हो। और वैसे भी इस लास्ट स्टेज में इस शो को वो सभी क्वेश्चंस को आंसर देना पड़ेगा जो कि नैरेटिव एंड से टाइड हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि एपिसोड 4 का जो क्लिफहैंगर है वो इस प्रोजेक्ट में आगे क्या होता है उसका एक स्प्रिंग बोर्ड हो। और ये नोटिस भी करना वर्थ इट है कि मून नाइट मार्वल स्टूडियोज की एक लिमिटेड सीरीज है, और इसका मतलब यही हुआ कि इसका सेकेंड सीजन आउट ऑफ द क्वेश्चन है, एटलीस्ट एट दिस पॉइंट। बट इसी के साथ इट्स सेफ टू अज्यूम दैट शो क्रिएटर जेरेमी स्लेटर ने और उनकी टीम ने एक कम्प्लीट स्टोरी लाइन बना ली है, और वांडा विजन की तरह ही मून नाइट की भी एक डेफिनेटिव एंडिंग होगी। उसके बाद क्या आएगा कि मार्क और स्टीवन अभी भी अननोन है, बट इसी के साथ हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सभी एक सेटिस्फाइंग एंडिंग देने का ट्राई कर रहे हों। तो अब अगर हम स्पॉइलर्स की बात करें तो एपिसोड 5 में व्यूअर्स ऐसा देख सकते हैं कि स्टीवन और मार्क कैसे उस वॉल्ट से अपने निकलने की जगह ढूंढ लेंगे, और जिस एरिया में वो लोग ट्रैप्ड हैं वो जहाँ तक मुझे लग रहा है मार्क और स्टीवन के ब्रेन के अंदर है, जो कि एक तरह का मेंटल एसाइलम है, जो कि मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था। एज अ रिजल्ट यहाँ ऐसा इम्प्लाई हो सकता है कि जो प्रोग्राम है वो हीरो के अर्ली स्टोरी लाइन के अंदर जाने का प्लान बना रहा है, और हम व्यूअर्स शायद मार्क की ओरिजिन को भी देख सकते हैं कि कैसे वो मून नाइट बना, और मे बी यही हमें पता चले कि अपकमिंग एपिसोड्स में लैला का क्या रोल है, और लैला शायद मार्क और स्टीवन की हेल्प करे उनको फिर से रिवाइव करने में। अब बात यह आती है कि मार्क और स्टीवन अपना सूट समन कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि उसका फ्यूल तो खोंशु है, और जब वो कैद हो गया है स्टोन में तो ऐसा तो लगता नहीं कि वो लोग सूट समन कर लेंगे।
बट ट्रेलर में एक सीन में हमने देखा कि आसपास कई सारे लोग पड़े हैं, मून नाइट उन लोगों को निपटा चुका है और इस बार उसके सिर पे मास्क नहीं है, और ये सीन हमें अब तक के 4 एपिसोड्स में नहीं दिखा, तो मे बी ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिले। तो हो सकता है कि यहाँ पे खोंशु रिवाइव हो जाए और तब ये लोग सूट समन कर सकें, और मे बी ये खोंशु के रिवाइव होने से पहले का हो, अब कुछ भी हो सकता है वैसे। इसके अलावा हम टॉरेट को देख सकते हैं जो कि इजिप्शियन गॉडेस ऑफ प्रोटेक्शन है। अब इसके नाम से ही क्लियर है कि शायद ये स्टीवन और मार्क से मिलने आई हो ताकि वो खोंशु के प्लान में उन सब की मदद कर सकें, और मे बी गॉडेस ही एक वे हो जिसके अकॉर्डिंग मार्क और स्टीवन उस मेंटल असाइलम से निकल सकें। अब ये भी हो सकता है कि ये गॉडेस टॉरेट एक ऐसा जरिया हो सकती है जिससे कि मून नाइट का सूट हमें देखने को मिले। सीधी भाषा में बताएं तो ये एक ऐसा जरिया हो सकती है जिसके अकॉर्डिंग मार्क और स्टीवन को उनका सूट मिल जाए और वो फिर से अपने मून नाइट वाले काम पे लग जाएं, यानी कि खोंशु को रिवाइव करना और फिर एमिट को रिलीज होने से रोकना। बट ट्रेलर में हम एक सीन देखते हैं जहाँ पे एक पिरामिड में से एक अजीब तरह का उल्का पिंड निकल रहा है, मतलब कई सारे मतलब यार एनर्जी प्रोजेक्शन रिलीज हो रहे हैं, तो मे बी यहाँ पे एमिट रिलीज हो गई है, और ऐसा भी हो सकता है कि खोंशु रिलीज हो गए हों। बट अगर खोंशु रिलीज होते तो ऐसा इंटरफेस नहीं देखने को मिलता, क्योंकि वो तो अब साइड कैरेक्टर जैसा है। और रही बात एमिट के रिलीज होने की, तो ये यहाँ पे बेटर सूट हो रहा है। सो ये था प्रेडिक्शन डिज्नी प्लस के मून नाइट सीरीज के एपिसोड 5 का। अब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि एपिसोड 4 को लेके आपके क्या थॉट्स हैं। साथ ही साथ आप हमें ये भी बताएं कि नेक्स्ट आप किस सीरीज या मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक का एक्सप्लेनेशन आपको सर्व कर सकें। अब अगर आप मनी हाइस्ट के सीजन 1 का रिकैप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो के लिंक पे क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर ये वीडियो आप सबको जरा भी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही, हम जल्दी लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग सुपर मूवी। सायोनारा। She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mama. She say, do you love me?